हेलो दोस्तों, मेरा नाम एमडी साजिद हुआ और आज के वीडियो में बताएंगे सेकंड पार्ट है ये वाला ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्री का जो बेसिक टर्म है उसका ये वाला सेकंड पार्ट है। तो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन बनाने का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, तो फिर वही बात देखिए, डैश 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 लिखा हो यानी किसी वर्ड के बाद एसन लगा है यानी वो एडिशन होगा, यू होगा, जोड़ देना है। और शुरू में डी लगा हो और तब एसन लगा है यानी डी मतलब रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यानी वो मेरा रिमूव हो जाएगा। कौन जो यहाँ दिखा रहेगा उसी को रिमूव करना है। जैसे सेवन नंबर में ये देखिएगा ध्यान से, ओजोनेशन लास्ट में है एसन, लास्ट में क्या है एसन यानी होगा एडिशन। किस चीज को जोड़ेंगे तो ओजोन को जोड़ेंगे यानी हो जाएगा एडिशन ऑफ ओजोन। और ओजोन के बारे में देखिए ना, O3 ओजोन है, यही ओजोन क्या होगा जुटेगा, एडिशन होगा, ऐड होगा ओजोन का। अब आइए एसाइलेशन, लास्ट में लगा है एसन, एसन का मतलब क्या होता है एडिशन, जोड़ेंगे, योग करेंगे। किसको जोड़ेंगे तो एसाइल ग्रुप को जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। कौन ग्रुप, एसाइल ग्रुप को जोड़ देना, योग करना है। तो आइए देखें एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप क्या देखिए, यही एसाइल ग्रुप है, आर बॉन्ड सी ओ बॉन्ड, यही एसाइल ग्रुप है यानी इसी का क्या होगा जुटेगा, एडिशन होगा। आइए इसका एक मेंबर के बारे में बताएं, आर फॉर अल्काइल यानी मिथाइल। देखिए इसका एक मेंबर हो गया, इसका नेम है एसिटाइल, क्या नेम है एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप, ये हो गया एसिटाइल ग्रुप, इसी का एक मेंबर है यानी इसी चीज का क्या होगा एडिशन होगा यानी एसाइलेशन यानी एसन यानी एडिशन जुटेगा। कौन जुटेगा तो एसाइल ग्रुप यानी एक मेंबर उसका एसिटाइल है, यही जुटेगा। अब कुछ ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको दिखेगा हाइड्रा, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, वाटर अभी तक सुने नहीं होंगे हाइड्रा का मतलब, अब देख लीजिए हाइड्रा का मतलब वाटर होता है और एक्वा का मतलब भी पानी होता है, जल होता है। एक्वा गार्ड का नाम सुने हैं, दूसरी में जो एक्वा वर्ड है उसका भी मीनिंग वाटर होता है, पानी होता है। फिर हाइड्रा है इसका भी मीनिंग वाटर होता है, पानी होता है। और इसका फॉर्मूला यही होता है H2O, हाइड्रा वाटर यानी H2O। अब आइए डैश 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 लाइसिस हो, डैश 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 लाइसिस यानी किसी वर्ड के बाद लाइसिस लगा हुआ, तो लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना। जैसे यही कलम है इसको तोड़ता है, तो लीजिए तोड़ दिया, ये लाइसिस हो गया, टूट गया यानी डैश 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 लाइसिस लगा हो तो ये टूटेगा। कौन टूटेगा तो यहाँ जो बगल में लिखा रहेगा ये टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए जैसे अब यहाँ देखिए हाइड्रेशन लगा हुआ है, लास्ट में एसन लगा है, तो एसन का मतलब जोड़ देना है, एडिशन कर देना है, सम कर देना है। जोड़ देंगे किसको जोड़ेंगे, हाइड्रा का, पानी का एडिशन होगा जुटेगा। तो यहाँ लगा हुआ है एसन, एसन का मतलब एडिशन मतलब ऐड कर देना है, जोड़ देना है, क्या जुटेगा हाइड्रा, पानी को जोड़ना है यानी एडिशन ऑफ वाटर होगा, पानी का जुटना, वाटर जुटेगा यानी रिएक्शन जब कराएगा उसमें वाटर जुटेगा, कहेगा हाइड्रेशन, तो अपना उनको समझ जाना कि वाटर ऐड होगा उस रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट में पानी को मिला देना है, डाल देना। अब आइए डिहाइड्रेशन, डी लग जाएगा और एसन भी रहेगा तो डी यानी रिमूवल, हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, आउट कर देंगे, क्या आउट कर देंगे हाइड्रा, हाइड्रा मतलब क्या होता है पानी, वाटर यानी रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का किसका, वाटर का यानी H2O का क्या हो जाएगा, H2O का क्या हो जाएगा वाटर, और रिमूव कर जाएगा, निकाल दिया जाएगा उसमें से, इसमें से रिएक्टेंट में से वाटर निकल जाएगा यानी वही है डिहाइड्रेशन यानी पानी का निकलना। आप लोग ऐसे भी सुने होंगे कि जब गर्मी का दिन रहता है ना धूप में, तो ऐसे स्पीकिंग लैंग्वेज में भी बोला जाता है कि हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं, मतलब पानी का कमी है, हमको पानी पीना है यानी डिहाइड्रेट फील कर रहा है, यानी स्पीकिंग में यूज भी होता है डिहाइड्रेट फील कर रहा है यानी वही रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव हो चुका है, वही बात है। नाउ फ्रेंड्स थैंक्स, और अगला वीडियो पार्ट 3 आएगा इसके लिए, और इसको नोट कर दीजिएगा, बाय।